तो फाइनली दोस्तों मेरे को कुछ मिला है वेजिटेरियन टाइप सा, यहाँ पे ग्रीन लीफी सा मेरे को दिख रहा था, तो मेरे को देखता हूँ क्या है। यहाँ पे चिक कोफ्ते लिखा है। तो हेलो गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यार यहाँ पे 3 दिन से बारिश पड़ रही है खतरनाक। आज मैंने सोचा बाहर निकलता हूँ, और मन भी कर रहा था कुछ आज बाहर का खाने का, तो देखते हैं क्या। और मैं देखता हूँ कुछ यार आज वेज कंसीडर कर रहा हूँ कि आज कुछ मैं वेजिटेरियन खाऊँ, तो मतलब वेज फूड खाऊँ कुछ थोड़ा लाइट सा, ग्रीन लीफी सा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या मिल सकता है। भाई देख सकते हो दो दो हुडी पहन रखी है मैंने, हालत टाइट है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। तो चलते हैं, चलो देखते हैं क्या मिलता है आज। तो फाइनली दोस्तों मेरे को कुछ मिला है वेजिटेरियन टाइप सा, यहाँ पे ग्रीन लीफी सा मेरे को दिख रहा था, तो मेरे को देखता हूँ क्या है। यहाँ पे चिक कोफ्ते लिखा है, अब देखते हैं क्या कैसे तरीके के कोफ्ते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, तो देख सकते हैं जैसे एक चिक कोफ्ते बना रहे हैं मेरे लिए, और ये 250 ग्राम के आसपास है। ओ नहीं कहते 21 ग्राम, और पारा नहीं कहते ऑन आलती बुचुक, तो 16.5 में मुझे कुछ 250 ग्राम का मिलेगा। और ऑन आर दिन नहीं ये पिछली बार बाशका इसने ये पिछली बार चीक करते बुलगुर अजे नर एक्सेसे तमाम ऑनलाइन सो इसोट या तमाम नर इसने वार। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, मतलब ड्राई फ्रूट्स से बना हुआ कुछ है समथिंग, और इसमें वॉलनट है, और इसमें नार जो सॉस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके की नार सॉस होती है वो है, और बुलगुर है इसमें जो यहाँ पे मैं दिखाऊँगा आपको बुलगुर किस तरीके का होता है। और फाइनली देख लीजिए, प्रिपेयर कर दिया इन्होंने मेरा। दोस्तों ये इन्होंने मेरे लिए बनाया है आज चिक कोफ्ते। मेरहबा Metin Çelik çiğ köfteciyim ben de burada. İki seneden beri Arsemiye çiğ köfte tadı damağınızda kalacak yediğiniz zaman. तो ये बता रहे हैं कि ये चिक कोफ्ते यहाँ के काफ़ी मतलब एक रेडीमेड रेसिपी है, और काफ़ी अच्छी लगती है, अच्छा स्वीट लगता है खाने में। Çok teşekkür hocam. Besleyici bir gıda maddesidir. Çok enerji verir. तमाम इन्होंने कहा कि इसे खाने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आती है, और क्योंकि नट्स से बना हुआ है, और आप देख सकते हैं ग्रीन लीव्स है इसके साथ में, तो आप समझ सकते हैं पूरा हेल्दी है, और मतलब मज़ा आने वाला है। देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, तो पहले मैं खा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ किस तरीके का टेस्ट है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को मज़ा आया खाने में, इसका टेस्ट ऑसम है, परफेक्टली है। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप देखोगे तो कोरिएंडर है, धनिया है, और इसके साथ इन्होंने एक पिकल दिया हुआ है जो कि सिरके में डिप था। और ये जो पूरा मैंने आपको बताया ये चिक कोफ्ते 250 ग्राम के आसपास है, और इसमें इन्होंने जैसे बताया कि इसमें कुछ एक तो अखरोट डलता है, नार सॉस डलती है, एक बुलगुर यहाँ पे टर्की में एक इंग्रेडिएंट है वो डलता है, और इसमें क्या कहते हैं थोड़े से कैशू भी इंक्लूड करते हैं, कैशू मींस काजू आपका इंक्लूड रखते हैं, थोड़ा सा इसमें बादाम का क्वांटिटी भी होता है, तो नट से बना हुआ पूरा ये मील रहता है। और इसमें जो चिकपी होते हैं वो भी इसमें रहते हैं, चिकपी का पाउडर बना के पूरा तैयार करा जाता है नार और सूखे दाल डाल के। 250 ग्राम दोस्तों, अगर तो प्रोटीन कंटेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है,
बहुत लाइट फूड है अभी, मतलब मैंने मोस्टली लाइट फूड इन द सेंस कि डाइजेस्ट बहुत ईजी हो जाएगा, बट आप खाओगे तो अभी मैंने सोचो 3 ही पीस खाए और मेरे को फुल फील हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा घर ले जाता हूँ, बाद में खा लूँगा, ज़्यादा ले लिया आज थोड़ा जोश जोश में, बट काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप देखोगे तो ये। और ग्रीन, ये कोरिएंडर, देन इनका ह्यूज भाई ये आइसबर्ग लेटर्स है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और नार सॉस मैंने बताया आपको, यहाँ पे भी अनार, हम अनार बोलते हैं और ये यहाँ पे नार बोलते हैं, खाली बस आ की एक फ़र्क है, अदरवाइज सिमिलर चीज़ ही बोलते हैं यहाँ पे। और 16.5 टर्किश लीरा में ये मेरे को मिला है, विच इज़ समथिंग समथिंग अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास का मेरे को ये पूरा एक मील मिला है, मील समझ सकते हैं। और अभी चलते हैं, मैं खाता हूँ और आपसे मिलता हूँ जब मैं जाऊँगा, और फिर मिलता हूँ आपसे घर पे। तो भाई फाइनली मैंने खा लिया है वहाँ पे, और ये मैं अभी पैकेट लेके जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि ज़्यादा हो गया था भाई, खाया नहीं, क्या आधा ही खा पाया मैं, बट काफ़ी अच्छा था टेस्ट में। और अगर मैं बात करूँ लिटरली एक वेजिटेरियन फूड या वेज फूड कहूँ, तो मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं खाई, और काफ़ी टेस्टी था, सिंपल था बहुत ही ज़्यादा। और मैंने जैसे बताया ग्रीन लीफ थे उसमें, काफ़ी ज़्यादा नट्स थे, वॉलनट था, कैशू, आमंड और चिकपी और कोरिएंडर, लेमन, तो काफ़ी अच्छा एक हेल्दी मील हो गया मेरे लिए, मतलब फुल सा फील कर रहा हूँ मैं भी। तो चलते हैं अभी घर चलते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही मैं टर्की के कंटेंट में आपको देता रहूँगा। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही है और भाई लगभग बहुत ही ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा, एक तो हवा भी चल रही है, ठंड भी पड़ रही है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।